हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ पे जो मैंने वीडियो फॉर्म किया है वो ये इसलिए किया है कि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि PDGD 1 में आपके पास कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने वाले हैं और PDGD 2 में कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाउट था कि हम यदि PDGD 1 कौन सी डेट में आपको डिस्पैच करने वाले हैं और उसमें कौन कौन से हम सब्जेक्ट्स रखने वाले हैं और PD2 कब डिस्पैच करने वाले हैं उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग में हम PDGD कोर्स लॉन्च कर चुके हैं जिसकी प्री बुकिंग ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। 20 मई से स्टार्ट हो चुका है ना। 20 मई से 25 मई तक यदि आप बुक करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया गया है। डांडेसन ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं जो भी डिस्काउंट्स हैं और साइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि क्या डिस्काउंट्स अवेलेबल है। हाँ, एक डाउट और स्टूडेंट्स के मन में था, क्या इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे? बिल्कुल, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है 20 मई से यदि आप प्री बुक करते हैं तो वो आप देख सकते हैं। वो उसके लिए साइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होगा। अभी फिलहाल में मैं यहाँ पे ये वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो PDGD 1 है ये आप लोगों को तकरीबन 15 जुलाई तक मिल जाना चाहिए, है ना। 15 जुलाई तक आप लोगों को मिल जाएगा ये वाला। हम ऑलरेडी इसको डिस्पैच कर चुके होंगे बिफोर दिस दैट, तो आपको यहाँ तक ये PDGD 1 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, सोम है, FM है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रखने वाले हैं, RCC प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी आई विल बी डीलिंग वो पढ़ाने वाले हैं हम, जियोटेक रहेगा, एनवायरमेंट रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, मैथ्स रहेगा, एप्टीट्यूड रहेगा। तो टोटल 9 सब्जेक्ट्स जो है, 9, या मैं इसको कह दूं RCC के अंदर कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो 9 सब्जेक्ट्स, अदरवाइज मैं इसको 10 सब्जेक्ट्स भी कह सकता हूं। इतने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हम आपकी PDGD 1 में ही दे देने वाले हैं आपको, है ना, क्या 15 जुलाई तक। तो 15 जुलाई के बाद जब हमें टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए फिर PDGD 2 प्रिपेयर कर देंगे, है ना। इस पर हालांकि प्रिपरेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब PDGD 2 के अंदर आप लोगों को, अच्छा ये मिलेगा कब? ये मिल जाएगा आपको तकरीबन 15 सितंबर के आसपास, ठीक है, है ना। 15 सितंबर को दूं या मैं कह दूं सेकंड और थर्ड वीक ऑफ द सितंबर मंथ में ये आप लोगों को मिल जाएगा। जहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर रखा है स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्टील स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी एंड इरीगेशन, ओपन चैनल फ्लो, CPM पार्ट एंड सर्वेइंग, ये नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर रखे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने PD1 में ज्यादा सब्जेक्ट्स रखे हैं वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज़्यादा है, एक बात, और मैंने वो सब्जेक्ट्स वहाँ पर प्लान किए हैं, वो सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पर रखे हैं जिनका वेटेज गेट में ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं बात करूँ यदि सोम का, ऑफकोर्स वेटेज ज़्यादा है, FM का वेटेज इज़ ओके, इन सिविल इंजीनियरिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट, बट इफ़ आई कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, FM का वेटेज थोड़ा सा सिविल में कम रहेगा मैकेनिकल की तुलना में। हालांकि सिविल में भी इसका वेटेज अच्छा होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी वेटेज कम होता है, आई कैन एक्सेप्ट, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, 2 से 3 नंबर का हो सकता है। RCC प्लस कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी 7 से 8 नंबर का आता है, वेटेज बहुत ज़्यादा। जियोटेक सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन सब्जेक्ट है जिसमें से तकरीबन 15 से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी मैंने यही रखा है। सबसे ज़्यादा वेटेज दूसरे नंबर पर रखने वाला इन्वायरमेंट है, उसको भी मैंने यही रखा है। ट्रांसपोर्टेशन उससे ज़्यादा वेटेज रखता है, वो भी मैंने यहीं पर रखा है। मैथ्स एप्टीट्यूड, तो ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने यहीं पर रखे हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जो आप लोग 15 जुलाई को आपके हाथ में आ जाएगा, तकरीबन 15 जुलाई के आसपास आपके हाथ में आ जाएगा और आप उसको क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यदि इन सभी नंबर्स का जो मैं वेटेज ऐड करूं इन द टर्म्स ऑफ मार्क्स, तो 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें से मैं आपको कह सकता हूं 70 से 80 मार्क्स तक का जो सिलेबस है वो मैं आपको PD1 में ही प्रोवाइड कर देने वाला हूँ, है ना। तो जो स्टूडेंट, जो जनरली ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जून जुलाई में इंजीनियरिंग ख़त्म होता है फिर वो गेट एग्ज़ाम ज्वाइन करते हैं, उनके लिए तो जुलाई 15 के हाथ में आ चुका है पूरा इतना सिलेबस, तकरीबन 70 से 80 नंबर का पूरा। बाकी जो 20 से 25 नंबर का सिलेबस है वो मैं आपको सेप्टेम्बर मंथ में प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्ट्रक्चर एनालिसिस 4 मार्क मैक्सिमम, स्टील स्ट्रक्चर 3 से 4 मार्क, हाइड्रोलॉजी इरीगेशन 4-5 मार्क, ओपन चैनल फ्लो 3-4 मार्क, CPM पर 2 से 3 मार्क, सर्विंग 3 से 4 मार्क। तो ये सभी तकरीबन 20 से 25 नंबर के सब्जेक्ट्स रहेंगे, ये आपके 70 से 80 नंबर के, 75 से 80 नंबर के सब्जेक्ट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, है ना। तो यही जो मेजर पोर्शन है सिविल इंजीनियरिंग का वो तो मैं आपको PD1 में ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था ऐसा, या फिर मैं कहूँ कि वो कन्फ्यूज थे कि हमारे पास PD1 आएगा तो उसमें क्या क्या नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या हम प्रिपेयर कर पाएंगे, तो आप देखिए जो लोग भी ड्रॉपर होते, अच्छा पहली बात, जो लोग तो 2 साल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, मतलब जो जिनका टारगेट गेट 21 होगा, उनके लिए तो बहुत 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 फ़ायदेमंद है ये चीज़। उनके पास प्रॉपर टाइम है, हर एक सब्जेक्ट डिटेल में यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टीज ने डिस्कस किया है, तो वो लोग तो आराम से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है कहीं से कहीं तक,
बात करते हैं जो लोग गेट 2020 को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या उनको ये पीटीजीडी कोर्स खरीदना चाहिए, क्या उनके लिए फायदेमंद होगा? तो देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूँगा, मैं आपको होल्ड करके नहीं रखूँगा कि आप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करिए या फिर हम ये जो प्रोवाइड कर रहे हैं इसके लिए वेट करिए। मैं आपको ज़रूर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो आपको क्वालिटी देखने को मिलेगा, ये दूसरे इंस्टीट्यूट्स की क्वालिटी से एक अच्छे लेवल पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है? वो आपको पता लगेगा, टाइम के साथ आपको पता लग जाएगा कि हमने जो वादा किया आपसे उसको बाकायदा निभाया जाएगा। एक बात, दूसरी बात कि यदि एक स्टूडेंट है जो गेट 2020 को टारगेट करता है लेकिन उसने जो प्रिपरेशन है अभी स्टार्ट किया, चूंकि वो ड्रॉप है, उसने इंजीनियरिंग अभी कंप्लीट किया है, उसके पास अभी 6 मंथ है, ठीक है, और फरवरी में 2020 फरवरी में क्या होगा, एग्ज़ाम होगा, वो भी तो किसी ना किसी जगह पर ज्वाइन करेगा या फिर सेल्फ स्टडी करेगा। तो जो स्टूडेंट्स कहीं पर जॉब कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर है या मैं कहूँ जो स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी वाले हैं जिनके आसपास इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर उन इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते, उनका घर अलग जगहों पर है, विलेजेस में है, उनके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है ना? क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आपको किसी जगह पर किसी दूसरी सिटी में जाकर पढ़ना होता है, वहाँ का एक्सपेंस होता है, आपका आने जाने का एक्सपेंस होता है, सबसे बड़ी बात होती है टाइम की, आपका टाइम कितना वहाँ पर खर्च होने वाला है वो सबसे बड़ी बात होती है। आप घर से बाहर रहते हैं, वहाँ पर आपको नंबर ऑफ वर्क्स होते हैं, है ना, वो हम भी जब स्टूडेंट थे हमें भी फेस करना होते थे, तो बहुत सारे काम होते हैं, उस काम से आप बच सकते हैं यदि आप घर पर रहकर यदि पीटीजीडी पढ़ लेते हैं तो आपका काफ़ी टाइम जो है सेव हो जाता है। सिर्फ हमारा थिंकिंग का प्रॉब्लम है, हम ऐसा सोच लेते हैं अरे 6 महीने में कहाँ से गेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू द हार्ड वर्क, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड दिस पीडीजीडी कोर्स विल हेल्प इन दैट। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स मैंने यहीं पर रखे हैं जिसका वेटेज तकरीबन मैं बोल रहा हूँ 70 से 80 नंबर तक का PD1 में ही अवेलेबल है। जब तक आप ये PD1 पूरा पढ़ेंगे खत्म करेंगे तब तक आपके हाथ में PD2 आ जाएगा, उसके पहले ही मैं आपको बोल रहा हूँ कि PD2 आपके हाथ में आ जाएगा जब तक आपका PD1 के सभी सिलेबस कंप्लीट होंगे, है ना। ये तो PDGD1 के बारे में डिस्कशन हो गया कि कब मैं PD1 देने वाला हूँ, कब मैं PDGD2 देने वाला हूँ, किसमें कौन सा सब्जेक्ट्स रखने वाला हूँ, है ना। अब इन सभी में मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ना है आपको। जैसे कि आप, मेरा सब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, जैसे मैं जियोटेक पढ़ा रहा हूँ या मैं जैसे एनवायरनमेंट हमारे रिचा मैडम पढ़ा रही है, ट्रांसपोर्टेशन जैसे प्रतीक सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने डिपार्टमेंट के अपने सब्जेक्ट्स के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखेंगे मेरा, जब भी आप PDGD कोर्स खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने किस तरीके से पढ़ाया है कि पहले मैं आपको पूरा एक आर्किटेक्चर जो भी है मेरे सब्जेक्ट्स का, मतलब कोई भी जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसको डिटेल में डिस्कस कर दूंगा रफली, है ना, रफली इन द सेंस, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखूंगा, आपको प्रॉपर मैनर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अब मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया, क्या वीडियो खत्म हो गया? नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। अब दूसरे, जैसे ये वो मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा, पूरा डिस्कशन खत्म होगा, डेरिवेशन खत्म होगा या फॉर्मूला बेसिस पे कोई एनालिसिस होगी वो खत्म होगा, उसके बाद उस पर जो बेस्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उस पर बेस्ड जो की पॉइंट्स होंगे, उस पर बेस्ड जो थ्योरी होगी वो आपको बोर्ड के दूसरे साइड लिखा हुआ मिलेगा, तो आप क्या करेंगे, मैं आपको उसी टाइम पर कहूँगा कि वीडियो पॉज करिए, ये नोट्स पूरे लिखिए, बाकायदा आप उसमें नोट्स लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, सपोज जियोटेक में तर्जागी एनालिसिस का, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, तर्जागी एनालिसिस कंसोलिडेशन के लिए, या मैं बात करूँ फाउंडेशन इंजीनियरिंग के लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पर, पहले तो मैं आपको तर्जागी एनालिसिस डिस्कस करके बता दूंगा अच्छे तरीके से, आप प्रॉपर तरीके से उसको सुनते रहेंगे, एक जगह पर मैं कहीं पर आप बोल दूंगा चलिए ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको आप नोट कर लीजिए, तो आप वीडियो पॉज करेंगे, बाकायदा नोट्स बनाएंगे अपने, और प्रॉपर फॉर्मेट में आप देखिएगा जब तक आप तक के हाथ में PD2 आएगा उसके पहले आपके हाथ में इतने सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स के सिलेबस के पूरे अच्छे अच्छे मोटे मोटे से नोट्स बन के तैयार हो जाएंगे और प्रिपरेशन आपके झकाझक, मजा जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यही था मेरा इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कशन कि कब मैं PD1 देने वाला हूँ, कब मैं PD2 देने वाला हूँ, किसमें कौन सा सब्जेक्ट रखने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू।